कोटा राजस्थान से बीजेपी के सांसद ओम बिरला का 17वीं लोकसभा अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। एनडीए के सहयोगी दलों के अलावा बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस समेत 10 राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया है। इसके अलावा विपक्ष ने भी ओम बिरला को समर्थन देने की बात कही है। इस पूरे मामले में और ज्यादा जानकारी दे रही है गो न्यूज संवाददाता अंजलि ओझा। राजस्थान के कोटा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला 17वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बिरला को नॉमिनेट किया है इस पद के लिए और 10 पार्टियों का समर्थन मिला है उन्हें, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के अलावा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और बीजू जनता दल भी शामिल है। इसके अलावा विपक्ष कांग्रेस ने भी कहा है कि वो उन्हें समर्थन देंगे लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए। बिरला दूसरी बार जीत करके लोकसभा में आए हैं और इसके पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं राजस्थान में। ये पहली बार नहीं है कि किसी ऐसे सांसद को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया है जिनके पास सिर्फ 1 या 2 टर्म का एक्सपीरियंस रहे लोकसभा में। इसके पहले 1996 में एमसी बालायोगी, जो कि तेलुगु देशम पार्टी से थे, वो लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। वे भी सिर्फ 2 बार सांसद रहे थे। इसके अलावा 2002 में मनोहर जोशी ने अध्यक्ष का पद संभाला था लोकसभा का और वो पहली बार सांसद चुन करके आए थे। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।